हेलो दोस्तों नमस्कार मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने खान सर का जो बुक है केमिस्ट्री का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल बुक है इस बुक का मैंने केमिस्ट्री का एमसीक्यू कराने का निर्णय लिया है और इसमें से मैं आज करवाने वाला हूँ आपको परमाणु संरचना जो चैप्टर है यानी कि एटोमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें का सारा आपको एम करवाने वाला हूँ और ये जो एम होगा ये केवल एन और ग्रुप डी में ही नहीं पूछा गया अभी तो जेई का जो एग्जाम हुआ है या फिर पिछला जो 2016 वाला एन हुआ है उन सारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सबको उठा करके खांसर ने इस बुक में समाहित किया है और मैं उस बुक से आपको पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ केवल आंसर ही नहीं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये आंसर क्यों हुआ आखिर चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं और नाभिक के बाहर की जो कक्षा होती है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं लेकिन नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आगे पूछ रहा है विद्युतीय तथस्ट तो और कमज़ोर पर परस्पर प्रभाव किसका होता है तो ये प्रभाव न्यूट्रिनो का होता है किसका होता है न्यूट्रिनो का न्यूट्रिनो विद्युतीय तथस्ट और कमजोर पर परस्पर प्रभाव रहता है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का पूछा जा रहा है तो ये हो जाता है आपका पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है पॉजिट्रॉन होता है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या है देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मतलब होता है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो ऋणात्मक है जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका इस पर माइनस चार्ज होता है ठीक है उसी को यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में अगर क्लिक दिया गया कि नेट आवेश के साथ एक उप पाराणविक कण जो ऋणात्मक है तो अगले प्रश्न की ओर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज ये की थी जे जे थॉम्सन ने अब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की यदि आपको याद हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी देखिए ये सारे आपके क्वेश्चन के नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछा गया था आपसे आर एनटीपीसी और इधर आर आर जेई में तो ये मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये आपके सामने प्रोटॉन जो दिख रहा है दोस्तों इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल होता है अगला क्वेश्चन हमारे सामने जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है उनको हम लोग एंटी पार्टिकल कहते हैं मतलब जो परमाणु का गुणधर्म होना चाहिए उससे विपरीत यदि गुणधर्म दर्शा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग उसका एंटी पार्टिकल बोलेंगे जैसा हमने इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन को बताया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिकर्ण कहते हैं ये सारे क्वेश्चन देखिए ये भी आई आर बी एन टी पी सी में पूछा गया है दो हज़ार सोलह वाले में शब्द परमाणु किसने खोया था तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा यदि आपको नहीं याद होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आपको एक नया क्वेश्चन अभी सुनने को मिल रहा है परमाणु शब्द जो है इसको खोया था डेमोक्रेस्ट ने किसने खोया था ड्रेमोक्रिस्ट्रस ने अब कहें कि ना ऐसा तो नहीं हुआ था लेकिन ये शब्द जो था परमाणु शब्द ये खोया था ड्रेमोक्रिस्ट्रस ने ये याद से पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर आवेश कितना होता है यानी कि चार्ज कितना होता है इसके बारे में आपसे ग्रुप डी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के ही दो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आंसर होता है इसका वन पॉइंट सिक्स इन टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन यानी कि एक दशमलव छः गुण दस के पावर माइनस उन्नीस कुलम्ब जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक चार्ज का होता है तो उसमें ऋणात्मक चार्ज हो गया अब यही आपसे प्रोटॉन के बारे में पूछ दिया जाए तो फिर भी आप यही बताएंगे लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये ऋण ये तो आपका नेगेटिव है और पॉजिटिव है आगे क्वेश्चन हो सकता है तो फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं को नाभिक में मौजूद होती है देखिए न्यूट्रॉन जो है वो किस एक परमाणु को छोड़कर बाकी समय मौजूद होता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है देखिए जेई तक में पूछा गया है ग्रुप डी में तो पूछा ही है जेई में भी पूछा है तो ये हाइड्रोजन जो होता है इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और बाहर में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है ठीक है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है तो जिनॉन जो है ये किसी तरह का कोई उप परमाणु कण नहीं है ये एक अक्रिय गैस है जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब उप परमाणु कण हैं लेकिन जिनोन जो है वो क्या है एक अक्रिय गैस है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है तो ये देखिए दोस्तों दो परमाणु दो तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो समान होते हैं ऐसा कहा गया फर्स्ट स्टेटमेंट में यही स्टेटमेंट आपके सामने गलत है बाकी सारा सही है फिर दस के पार माइनस दस एम के क्रम में प्रसरण होते हैं ये सही है परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं ये भी सही है एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं ये भी सही है लेकिन दो तत्वों के परमाणु एक समान नहीं हो सकते तो वो आंसर आपका सही रहा था बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है कितना देखिए मैंने उधर बताया था कि उसमें ऋणात्मक होता है इसमें धनात्मक हो गया वन पॉइंट दो पवन नाइनों में सेम ही रहेगा बट वो ऋणात्मक चार्ज उतना रहेगा ये धनात्मक चार्ज उतना रहेगा इसीलिए दोनों मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं किसको हाइड्रोजन को इसीलिए हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है कैथोड किरण पहली बार किसके द्वारा मतलब प्रयोग किसके द्वारा पहली बार किया गया था तो जे जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों का पहली बार प्रयोग किया था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है देखिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो किसकी वर्णन नहीं करता है तो ये दोस्तों परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है उसमें ये नहीं बताया गया था कि परमाणु अस्थाई है लेकिन नाभिक की उपस्थिति होती है परमाणु में ये पता चला था परमाणु के अंदर आवेश होता है ये भी पता चला था आप पूछेंगे आवेश के बारे में कैसे पता चला था तो जैसे ही हम लोग गोल्ड प्लेटेड फॉइल पे वो कैथोड किरणों का ये करवाया था बम्बासडिंग तो बहुत सारी किरणें ऐसे किनारे तरफ मुड़ के निकल गई थी तो उससे पता चला था कि सेम चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है इसका मतलब हुआ कि वो यहाँ भी चार्ज वही था और उस कण में भी वही चार्ज था इस कारण वो किरणें मुड़ के चली गई तो ये सारा कुछ उससे पता चला था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति पता चली थी लेकिन परमाणु का अस्थायित्व उससे पता नहीं चला था कि परमाणु अस्थाई है या नहीं किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या को किस सूत्र सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है देखिए परमाणु कक्ष बहुत सारे हो सकते हैं जैसे ये मान लीजिए नाभिक हो गया इसके बाहर यदि हम देखें तो ये कक्ष हो गया ये एक ये कक्ष हो गया ये एक ये कक्ष हो गया अब इन सारे कक्षों के अलग अलग नाम दिया जाता है जैसे इसको के बोलते हैं इस कक्षा को एल बोले इसको एम बोले इन सारे कक्षाओं में कितने कितने मतलब इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसका एक फार्मूला होता है यह फार्मूला होता है दोस्तों कितना टू एन स्क्वायर क्या होता है टू एन स्क्वायर एन मतलब ये घर का नंबर ये फर्स्ट कहा यह फर्स्ट नंबर देखिए कहा जाता है इस कॉलम को बोलते हैं वो एक नंबर इसको दो इसको तीन तो इसको फार्मूला पे जब रखेंगे तो दो तो हो जाएगा फॉर्मूला में है एन का यहाँ पे मान ली तीसरे घर का निकाल रहे हैं तो इनके यहाँ पे तीन लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तीन तौ दून अठारह यानी कि एम वाला जो होगा सेल उसमें अठारह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उस तरह से ये बढ़ते जाता है तो आप याद रखिएगा दो आठ अट्ठारह और बत्तीस इस तरह के क्रम में ये आगे बढ़ते जाता है ठीक है के वाले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एल वाले में आठ रह सकते हैं एम वाले में अठारह रह सकते हैं और एन है में बत्तीस रह सकते हैं इस तरह से ये सिलसिला बढ़ते रहेगा फॉर्मूला क्या रह जाएगा टू एन का स्क्वायर इसी फॉर्मूले से ये आगे चलते जाएगा बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी देखिए रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो इससे परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी किसकी खोज हुई थी नाभिक की कैसे पता चला था कि यहाँ पर नाभिक है तो वहाँ से एक जब किरण सीधी उस पर पड़ी नाभिक पे तो टकरा करके वापस आ गई इससे पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसा कण है कुछ ऐसा है जो काफ़ी मजबूत है तो वो नाभिक कहा गया रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली में डाला गया था तो एक चांदी की मतलब सोने की जो पन्नी है उस पर इसका वार कराया गया था रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को और उसी से से नाभिक वगैरह सबका पता लगाया गया था बोर यानी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल का अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन करता है तो उसके अनुसार वह अगली कक्षा में चला जाता है क्या होता है अगली कक्षा में चला जाता है नाभिक का पर, किस परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था किसी परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था तो ये रदरफोर्ड जो थे इन्होंने नाभिक मॉडल पहली बार खोजा था परमाणु का नाभिक मॉडल रौद्र ने एम कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो मैंने अभी बताया था कि इनको बांटा गया है सेल्स को कैसे कैसे के एल एम एन और फॉर्मूला क्या होता है टू एन स्क्वायर तो देखिए एम कितने नंबर पे आ रहा है तीन नंबर पे मतलब के जहाँ पे तीन रखेंगे तीन का स्क्वायर और दो इधर गुना में तो तीन तीन नौ नौ दुना अठारह इसका आंसर हो जाएगा तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के रख सकते हैं के एल एम एन को और देखिए क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है आर आर बी एल पी में दो बार पूछा गया ग्रुप डी में चार बार पूछा गया सोच लीजिए एक ही साल में छः छः बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया कि एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और मैंने एक बार में आपकी सारी परेशानी हल कर दी कि टू एन स्क्वायर आप सूत्र लगाइए और सारा आंसर मिल जाएगा अब आप बताइए एन कोस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो देखिए के एल एम एन चौथा है तो चार का स्क्वायर करेंगे चार चौगा सोलह और से इन टू कर देंगे बत्तीस तो आंसर हो जाएगा इसका बत्तीस तीसरी कक्षा फिर से आ गया वही बात की एम में तो एम कक्षा इधर हो जाएगा तीसरा क्या होता है एम होता है किसी परमाणु के के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो के मतलब पहला पहला में टू एन स्क्वायर यानी कि एन का स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर किए तो वन ही रह जाएगा और टू से उसमें इन टू किए तो टू रह जाएगा तो के कक्षा में कितने दो हो जाएंगे एल में पूछ रहा है के एल यानी कि एन का मतलब दो हो जाएगा दो का स्क्वायर और गुना दो करेंगे मतलब आठ हो जाएगा उसमें तो इस तरह से आप खुद से निकाल सकते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है एक तत्व की परमाणु संख्या तेरह है तो ते इस तत्व में कितने सेल होते हैं देखिए परमाणु संख्या तेरह है तो ते इसको जब हम सेलों में बांटेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं तो दो पहली कक्षा में दो से अधिक नहीं रह सकता है दूसरा में आठ से अधिक नहीं रह सकता तो दो आठ दस और तीन बचा तीन तो देखिए इसमें कितने में गया तीन कक्षाओं में गया के एल और एम तक पहुंचा है वही तो पूछ रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या यदि तेरह है तो वह तत्व कितने सेल में होते हैं तो वह तत्व कितने सेल में आया एक दो तीन सेल में आ गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अगली वीडियो में उसको सुधारने का मैं भरपूर कोशिश करूंगा बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में होते हैं यानी सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं उसको हम लोग संयोजक संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्या कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो सबसे बाहरी में होता है और सबसे बाहरी से भीतर जितने भी सेल्स में रहे उन सबको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्या कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले को संयोजी और अंदर वाले को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो चतुर्थ स्तर मतलब चौथा घर के एल एम एन एन के यहाँ पे क्या रखेंगे चार रखेंगे तो चार का स्क्वायर सोलह गुना दो बत्तीस तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो अब छूटेगा नहीं किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं और सियासी ट्रिक याद रखिए दो आठ अट्ठारह बत्तीस कैसे कैसे होता है तो ये हो गया के के लिए ये हो गया एल के लिए ये हो गया एम के लिए ये हो गया एन के लिए ठीक है दो आठ अठारह बत्तीस इसको रख लीजिए के एल एम एन दो आठ अठारह बत्तीस के एल एम एन दो आठ अठारह बत्तीस के एल एम एन बोलते जाइए हमारे साथ के एल एम एन दो आठ अठारह बत्तीस के एल एम एन अब आप इस कभी भूलेंगे नहीं और आगे एक में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र द्वारा की जाती है कई बार मैंने बता दिया टू एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है ये भी आपसे जेई तक में पूछा गया सोच लीजिए ग्रुप डी तो छोड़िए जेई तक में पूछा गया और आप पूछे है आपसे पूछेगा ही पूछेगा निश्चित रहिए हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में, सबसे बाहरी गस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि तो हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने नोबल गैस बच रहे हैं देखिए ख्याल नोबेल गैस कौन कौन से हैं तो पहला तो है आपका हीलियम दूसरा हो गया नियॉन तीसरा हो गया आर्गन चौथा हो गया क्रिप्टॉन पाँचवा जनन छठा रेडॉन तो इस तरह से छः आपको देखने को मिल जाएंगे नोबेल गैस तो पहला जो हीलियम होता है इसका परमाणु संख्या ही है दो तो ये दो से ज़्यादा तो जाएगा नहीं लेकिन इसको छोड़ देंगे तो बाकी जितने आपको परमाणु मिल रहे हैं वक्रिय गैसों के उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लास्ट मतलब कक्षा में आठ होती है आठ से अधिक किसी में नहीं है वो ऑक्टेट पूरा हो जाने की वजह से ही शांत पड़ जाती है इसलिए उनका नाम नोवेल गैस या अक्रिय गैस रख दिया जाता है सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो ये मैंने बता दिया कि अक्रिय होते हैं कब जब उनमें लास्ट में आठ हो जाए तब तो इसलिए लास्ट आंसर हो जाएगा उसका एट किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ पाँच है उसका नाम क्या है तो देखिए दो आठ पाँच का मतलब पहला सेल में दो के में दो एल में आठ और एम में पाँच तो तीनों को जोड़ देंगे आठ दो दस पाँच पंद्रह पंद्रह किसका होता है नाम तो पंद्रह होता है फास्फोरस का फास्फोरस पी फिफ्टीन इसका परमाणु संख्या पंद्रह होता है फास्फोरस का तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस उन तीन तत्वों को नामित करें जिनसे बाहरी सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए ऐसे तत्व जिनके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल होंगे ध्यान रखिएगा यदि किसी भी तत्व के बाहरी सेल में एक दो और तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सारे तत्व जो होते हैं वो मेटल होते हैं क्या होते हैं मेटल होते हैं और चार जो हो जाता है वो आपका एक आता है कार्बन उसमें होता है बाकी सेमीकंडक्टर्स में आते हैं चार और यदि पाँच छः सात ऐसे रहे तो ये पाँच छः और सात रहे तो इसका मतलब होता है कि वो नॉन मेटल है यानी अधातु है और यदि लास्ट में आठ आ गया तो इसका मतलब वो अक्रिय गैसों में चला जाएगा ठीक है तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको याद रहेगा ये तो उन तीन तत्वों का नाम बताएं इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सबके सब ऑप्शन सब जिसमें आपका ऑप्शन बी सही है लिथियम सोडियम पोटेशियम जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम सोडियम एन 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक पर इसका परमाणु क्रमांक यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो कैसे लिखेंगे दो आठ एक चूँकि पहला घर में दो हो जाएगा दूसरा में आठ से ज़्यादा आ जा नहीं सकता है तो तीसरा में कितना बचेगा आठ दो दस हो गया तो एक और बचेगा तो इस तरह से बाकी सब में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आने वाला है लास्ट में बढ़ते आगे यदि क्रिप्ट्रॉन की परमाणु संख्या छत्तीस है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये क्रिप्टॉन का होता है इलेक्ट्रॉनिक मतलब परमाणु संख्या छत्तीस तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो इसका विन्यास देखिए ये होता है पहला कक्षा में दो दू, दूसरा में आठ से ज़्यादा दाएगा नहीं चूंकि मैंने बताया था कि दो आठ अठारह बत्तीस तो पहला में दो तो भर गया दूसरा भी आठ से भर गया तीसरा अठारह से भर गया लेकिन अभी बच कितना रहा है आठ और तो आठ चल जाएगा अगले सेल में चूँकि इसमें बत्तीस तक जा सकता है लेकिन आठ तक गया और हम जानते हैं कि यदि किसी में लास्ट एले... में इलेक्ट्रॉन आठ हो जाए तो क्या हो जाता है वो अक्रिय गैस हो जाता है तो क्रिप्टॉन आपका क्या है अक्रिय गैस है एक इसका परमाणु संख्या छत्तीस होता है अब आप पूछेंगे अच्छा परमाणु संख्या क्या होता है तो किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है उसी को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं तब तो आप पूछेंगे परमाणु भार क्या होता है तो परमाणु भार का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों की संख्याओं को यदि हम जोड़ देंगे उसी को हम लोग परमाणु भार कहते हैं उम्मीद है कि आपको परमाणु भार और परमाणु क्रमांक समझ में आया होगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ दो है तत्व का नाम क्या है तो आठ दो दस दो बारह और यह होता है किसका मैग्नीशियम का मैग्नीशियम एम जी बारह होता है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक आठ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा तो आठ है तो मैंने बता दिया दो और छ हो जाएगा ध्यान रखिएगा लिखा हुआ कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक तो दो छः से क्या हो जाएगा आठ तो ये ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो और छः याद रखिएगा ऑक्सीजन का आठ होता है परमाणु क्रमांक दो छ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है मैंने अभी भी बात को बताया था कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी होगा तो उसके लास्ट सेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे इससे ज़्यादा यदि इलेक्ट्रॉन है तो कभी धातु नहीं हो सकता है ठीक है देखिए इसमें एक दो और तीन वाले कितने हैं ये तो पहले ही छट गया डी कभी हो नहीं सकता है क्यों क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो और छः लास्ट में है और छः हम बताए हैं कि जैसे ही आएगा इसका मतलब हो जाता है कि वो अधातु है धातु तो बिल्कुल नहीं है और बाकी सब में देखिए इसमें तीन लास्ट में इसमें एक लास्ट में इसमें भी एक लास्ट में ये सब किस में आ जाएंगे ये सब धातु में आ जाएंगे लेकिन ये तीन से यदि ज़्यादा है तो कभी भी किसी भी हालत में धातु नहीं हो सकता है बढ़ते हूँ अगले प्रश्न की ओर जिन परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होगी। पूर्ण होने का मतलब आठ हो गई तो इसका मतलब होता है कि वो जो होगा परमाणु उसका संयोजकता जो होगा वो शून्य हो जाएगा अब आप कहेंगे कि संयोजकता कहाँ से आ गया नया चीज़ देखिए किसी भी परमाणु को ये चाहत होती है कि हम अपने अंतिम स्थान मोक्ष प्राप्त कर लें तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो चाहता है कि हमारे बाहरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए यदि उसके पास बाहरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो चुपचाप सूझ जाएगा ठीक है फिर उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो सारे परमाणु जो होते हैं इसी फेर में रहते हैं तो इसलिए उन यदि मान लीजिए छः किसी के पास है लास्ट सेल में तो हमेशा चाहेगा कि दो हम कहीं और से ले आएँ और अपने आप को आठ करके चुपचाप सूझ जाए तो जो छः है और दो की चाहत है उसको हम लोग बोलेंगे कि इसकी संयोजकता जो है वो दो है संयोजी इलेक्ट्रॉन छः हैं क्योंकि लास्ट और लास्ट सेल में कितने हैं छः इलेक्ट्रॉन के पास बच रहे हैं तो हम बोलेंगे कि उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन छः हैं लेकिन संयोजकता कितनी है यानी कि उसकी चाहत कितने की है और दो की तो संयोजकता उसकी दो हो जाएगी और जिसमें ऑलरेडी आठ इलेक्ट्रॉन है संयोजी मतलब लास्ट सेल को संयोजी सेल बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं लास्ट सेल पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि आठ है ऑलरेडी भरा हुआ है अब उसको किसी की चाहत नहीं है वो कोई और इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो कितना उसकी संयोजकता हो जाएगी उसकी संयोजकता जीरो हो जाएगी बस यही मैं बताना चाह रहा था समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है देखिए यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखिएगा समान रासायनिक गुण होने चाहिए उस तरह के दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है तो यदि दो समान रासायनिक गुण वाले तत्व हैं तो उन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होनी चाहिए अब पूछेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन तो ही मैंने बताया कि जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो यदि किसी भी दो तत्वों में लास्ट सेल में परमाणु ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का गुण जो होगा वो समान होगा किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए लिथियम जो है सॉरी कैल्शियम जो है इसके बाहरी सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दो आठ आप भी जानते हैं कि पहला में दो दू, दूसरा में आठ तीसरा में अठारह तक जाएंगे तो आठ दो दस तो हो गया हमारे पास और तीसरा में फिर से आठ जाएंगे, क्योंकि हम तीसरे इलेक्ट सेल तक आठ ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं तो दो आठ आठ हो गया आठ दो दस आठ आथ, अठारह हो गया और इसके बाद वाले सेल में हम दो तक पहुँचेंगे तब तक बीस हो चुका रहेगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जो है इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लियर चलिए में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है यानी किस तत्व में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है तो देखिए जेनॉन जो है वो एक अक्रिय गैस है और इसके अंतिम सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं इसकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है बाकी जितने भी तत्व आपको दिखे हैं आप सबकी किसी की बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी नहीं होती है पहले आवर्त में दोनों तत्वों के खाली स्थान में संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए पहले आवर्त के दोनों तत्वों के के कोष जो होता है यानी कि पहला जो सेल होता है उसके उसमें संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले आवर्त का, का कहने का मतलब ऊपर में हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो पहले आवर्त का तत्व है जो छतीस लाइनें हैं उनको हम लोग आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं ऊर्ध्वाधर जो लाइन कहने का मतलब जो लाइनें इस, इस तरह की हैं इसको हम लोग आवर्त कहते हैं और जो लाइनें इस तरह की हैं उससे जो बॉक्स बन रहा है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं तो वर्गों की संख्या कुल मिला के अठारह है और आवर्तों की कुल संख्या सात है तो आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी समय आपसे पूछा जा सकता है कि आवर्त की संख्या कितनी होती है वर्ग की संख्या कितनी होती है आवर्त सात और वर्ग अठारह होते हैं याद रखिएगा पहले आवर्त में दोनों तत्वों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दो होते हैं और एक में होते हैं के केक में ही निपट जाता है इनका काम परमाणु क्रमांक सत्रह वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के साथ समान विशेषताएं रखेगा अब आपको मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रिक दे दूँ कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आप सीधा सीधा जितना नंबर दिया रहेगा उसमें आप अट्ठारह जोड़ दीजिएगा ठीक है सत्रह दिया हुआ है इसमें अठारह जोड़ दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा सत्रह आठ में अठारह जोड़ेंगे कितना आ जाएगा पैंतीस आप पूछेंगे कैसे बोल दिया इसे अपना मनने से अठारह जोड़ दीजिएगा देखिए जो पहला आवर्थ होता है दोस्तों इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरा जो आवर्थ होता है इसमें आठ होते हैं तीसरा जो होता है इसमें भी आठ होते हैं चौथा जो होता है इसमें अठारह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना मैंने जहाँ तक ट्रेंड देखा तो उसमें हमें एहत यही दिखाई दिया कि हमेशा चौथे आवर्त के आसपास से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए आप लोग सीधा सीधा उसमें अट्ठारह जोड़ेंगे और आंसर लिख के मुँह पर मार देंगे ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यदि कम वाला आ गया तीसरे या दूसरे आवर्त के लिए तो उसमें आठ जोड़ना पड़ेगा आपका आंसर आ जाएगा जिसका आंसर कितना हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा बाह्यतम कोष में एक से तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी किस तरह के तत्वों में बाह्यतम कक्षा में एक से तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको मैंने बताया था जैसे ही आप समझेंगे कि ये धातु है तो आपको याद रखना होगा कि इसके बाहत्तम कक्षा में या तो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे यदि चार हो गए तो उप धातु हो जाएगा और पाँच छः सात हो गए तो वो अधातु हो जाएगा और आठ हो गए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो जो तत्व तो है वो अक्रिय गैस है बढ़ते हम लोग आगे सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है किसमें तो ये जो देखिए एस और बी यानी नहीं बिस्मत और सैनिक जो है इसके बाहरी ऑर्बिट में एक समान इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है तत्व के बाहरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन के साथ तीन कक्षाएं होती है यानी कौन सा ऐसा तत्व तो है जिसमें सबसे बाहरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैंने बताया कि वो कोई ना कोई अक्रिय गैस होगा क्योंकि अक्रिय गैस के ही बाहरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कह रहा है कि तीन वो ही सेल होना चाहिए मतलब के एल और एम भर जाना चाहिए मतलब कोई ना कोई छोटा दबमान का तत्व होगा तो आपको यहाँ पे आर्गन दिख रहा होगा आंसर में आर्गन कैसे हो जाएगा तो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक के होता है दो आठ आठ तो देखिए आठ दो दस आठ आट, अठारह आर्गन ए आर अठारह होता है और इसके बाहरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन भी हैं और ये एक अक्रिय गैस भी है ये मैंने कैसे पहचाना था तो लास्ट में आठ इलेक्ट्रॉन को देख करके बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा अच्छा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो अधातु होते हैं उसमें पाँच छः सात या आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए अधातु उसको भी कह सकेंगे जो अक्रिय गैस होगा वो भी तो एक तरह का अधातु ही है तो पाँच छः सात या आठ इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो अधातु हो जाएगा एक दो तीन रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग धातु बोलेंगे यदि तत्व ए वन और बी वन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वन एस टू टू एस टू थ्री एस वन और वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री पी फोर है तो इन तत्वों का संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हूँ तो आपको ये बताना मैं उचित नहीं समझूंगा इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि हमें गलत लग रहा है ये एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो और छः होता है तो हमें पता चलेगा कि इसके संयोजी संयोजित संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हो गए छः हो गए लेकिन आपसे पूछा है कि इसकी संयोजकता कितनी है संयोजकता मतलब चाहत कितनी है कि कितना मेरे पास आ जाए तो छः तो है और ये चाहे कि हम आठ बन जाएँ तो आठ कब बनेगा भाई तो ये चाहेगा हमको दो गो कोई दे देवे तो हम आठ बन जाए अच्छा देखिए एक केस मैं और बता दूँ ये कई बार लोग दे के महान बनते हैं और कई बार लोग ले के महान बनते हैं तो इसको भाई सोना है कैसे तो अपना धन बेच के भी महान बन सकता है लेकिन यदि अपना हटाने लगे तो इसको अपने में से छः इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना हो जो इसके लिए मुश्किल है जबकि दो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेना ये इसके लिए आसान है तो जो आसान काम है वही करना स्वयं संयोजकता कहलाता है तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या छः हो जाएगी और यदि आपसे पूछता है कि संयोजकता कितनी है तो छः है और चाहत है आठ बनाने की तो दो हो जाती है इसकी संयोजकता तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा कुछ सीखने को मिला होगा यदि इसी तरह का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा मिल सके इस बुक का मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद